बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हर साल आप लोग आ जाते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हर साल हमें मिलता रहता है, उसी से प्रोत्साहित होकर के हमारा जीवन जो है और सफल हो जाता है आगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबको अपनी ओर से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप उन तक हमारा समाचार दे दें कि हाथ जोड़कर उनको हम प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रही हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Happy birthday to you, happy birthday dear Amit ji, happy birthday to you. Thank you, thank you. Amit ji, जी, RJ Alok here from OFM. मेरा सवाल आपसे है, पहले तो बधाई ढेर सारी इस दिवस की। कैसा रहा कल रात 12 बजे से लेकर के आज अभी तक का दिवस? ज्यादा कुछ नहीं, परिवार साथ में था और अब उम्र हो गई इतनी, कहाँ अब जन्म दिवस मनाएंगे उसको। तो बस इस बात की तसल्ली थी कि घर के जितना परिवार था वो साथ में था और उनके साथ मिल करके जन्मदिन का आगमन हुआ, और बस ऐसे ही। उसके बाद कुछ अपने ब्लॉग के लोगों और ट्विटर वगैरह पे काफ़ी देर तक बातचीत होती रही, और बस सुबह से प्रतीक्षा गए थे माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने, और अब यहाँ आ गए। सर, आज के दिन की क्या मसरूफियत, किस तरीके से दिवस जाने वाला है पूरा? कुछ नहीं, सबसे ज्यादा मसरूफियत ये है जो अभी हो रही है। सर, आप मान रहे हो कि वक्त बहुत ही फास्ट दौड़ रहा है, इनफैक्ट ऐसे लग रहा था कि हम कुछ दिन पहले ही आपका 72 बर्थडे मनाए। जी जी, समय की रफ्तार है, अभी क्या किया जाए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, होता रहता है, और कुछ माध्यम भी ऐसे हो गए जिससे कि आपको लगता नहीं है कि काफ़ी विलंब हो गया एक दूसरे से मुलाकात करने का। माध्यम मोबाइल का है, इंटरनेट का है, प्रतिदिन आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा समाचार मिलता ही रहता है आपको। तो कई मानों में अपने आप को मैं एक पत्रकार मानने लग गया हूँ, प्रतिदिन रात को बैठ करके अपनी खबर छाप देता हूँ, और आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है तो उसे आप उसको आगे छाप देते हैं। तो इसी वजह से शायद हो सकता है ऐसा लगता है कि हम तो अभी अभी आपसे मिले थे। जी बच्चन साहब, सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मेरा सवाल यही आपसे कि कोई ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में, आपके पूरे करियर में, जिसने आपके साथ हमेशा वो बर्थडे सेलिब्रेशन किया, और जो आप उसको याद करते हो, आप उनके साथ डिनर करते हो, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें उनके साथ? परिवार बस साथ में रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उत्तम चीज़ रहती है, और ईश्वर की कृपा रही है, परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है। बहुत कम अवसर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर मैंने जन्मदिन अकेले मनाया हो। हाँ, परिवार हमेशा साथ रहा है। माँ बाबूजी जब थे तो उनके साथ मनाना था, जब हम कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे थे, जैसे मैं कलकत्ते में काम कर रहा था, तो उस ज़माने में आना जाना जो था वो इतना सुविधाजनक नहीं था, और ना ही टेलीफोन वगैरह की इतनी सुविधाएं थीं, लेकिन वहाँ भी माँ बाबू जी का फ़ोन आ जाता था, और फिर अपने मित्रगण जो थे उनके साथ जन्मदिन मना लेते थे। लेकिन आम तौर पर परिवार के साथ ही रहना मुझे पसंद है, और उन्हीं के साथ हमने अपना जन्मदिन मनाया है। थैंक यू अमित जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक मिनट। जी जी जी, ऐसी बात नहीं है देवी जी, ऐसा जितने भी हमारे बड़े सुपरस्टार्स हैं सबके बहुत प्रख्यात और बहुत ही प्रबल फैन संख्या है। मैं तो केवल ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और अपने चाहने वालों को धन्यवाद देता हूं कि वो आज भी अपना स्नेह और प्यार दिखाने के लिए 11 अक्टूबर को आ जाते हैं। और मैं क्या कहूँ, कृतज्ञ हूँ मैं
उनका आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे। अमित जी सबसे पहले आपके इस जन्मदिन पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने बहुत सारे अपने जन्मदिन देखे होंगे और सेलिब्रेट किए होंगे, कितना सामान्य और कितना खास है ये जन्मदिन आपके लिए, और आप स्वयं के लिए क्या प्रार्थना करते हैं अपने ही जन्मदिन पर? जिंदा रहें और क्या। जी 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 अमित जी, शिवांगी फ्रॉम लाइव इंडिया। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सर, आपने जो ये पोशाक पहनी है बहुत बेहतरीन है, तो हम जानना चाहेंगे इस पोशाक के बारे में। ये हमारे मित्र हैं आबू संदीप जी, उनकी बनाई हुई है। तिथि त्योहार पे वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, और हमारे यहाँ तो शायद ये परंपरा रहती है कि कोई त्योहार हो, कोई जन्मदिवस हो, तो कुछ नया वस्त्र पहनना चाहिए, तो आज पहन लिया उसे। अमित जी, ज्योति फ्रॉम E24 न्यूज़ 24। सर यहाँ पर, सर आराध्या ने क्या गिफ्ट दिया आपको? अभी मिला नहीं हूँ मैं उनसे, सुबह उठ करके मैं माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने चला गया प्रतीक्षा, वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने। अब जाऊँगा वहाँ, तो वो इंतजार कर रहे होंगे। अभी कितनी एक्साइटेड है बर्थडे को लेकर, वो देख करके मैं वो बताऊंगा। They have expressed their love and affection, and I don't think that there's anything greater and bigger than that for anybody. No amount of material gift can replace love and affection of family members, of well-wishers. I've always believed in that. So materialistically, I can't say that it is not important. Yes, people show their affection, and I accept that with a lot of grace and humility. But yes, the love and affection is much greater than any material gift. Bachchan sir. Yeah. Hello sir, happy birthday to you. Thank you. आप इसी तरह स्वस्थ रहे और हम सबको यू ही एंटरटेन करते रहे कई सालों तक। सर, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले साल से इस साल आपने अपने अंदर कुछ बदलाव देखा है? हर बर्थडे में मतलब इंसान अपने आप में कुछ बदलाव देता है, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव देखता है, आपने कुछ ऐसा बदलाव महसूस किया अपने आस पास या अपनी खुद की जिंदगी में? मैंने कभी इस तरह से अपने आप को देखा नहीं है, और मैं किसी तिथि तारीख के लिए इंतज़ार नहीं करता हूँ कि इस तारीख के बाद मैं बदलूँगा या इस तारीख के बाद। लोग कहते हैं कि नया साल आ गया तो चलो, क्या आपने प्रेरणा ली, क्या आपने विश किया? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर साल जो है वो प्रतिदिन प्रतिक्षण जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और अपने काम में उसे कैसे और बेहतर कर सकें, लोगों के साथ जो संपर्क होता है उनके लिए क्या कर सकें, समाज के लिए क्या कर सकें, किसी के चेहरे के ऊपर कोई मुस्कान ला सकें। अभी हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज की रात है ज़िंदगी, उसका ध्येय यही है कि अगर बहुत सारे नेगेटिविटी है देश भर में, प्रतिदिन अखबार उठाइए कुछ अनाप शनाप खबरें लिखती हैं, नेगेटिविटी होती है, और उसके अंदर लोग अच्छाई भी करते हैं और प्रेरणा देते हैं वो हमको, वो बिना किसी के कहे वो काम करते हैं और वो लोगों के जीवन में, उनके जीवन में मुस्कान लाते हैं। तो अगर मैं अपने कार्य से, अपनी आदतों से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं, तो उसको करने का प्रयत्न करूंगा मैं। अमित जी, पूर्व ईयर अभी मैंने बताया सुहेल जी कोई मटेरियल गिफ्ट जो है उसका, उसको मैं स्वीकार करता हूं। अगर कोई दे देगा पुरस्कार या कोई इस तरह का उपहार दे देगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन लोगों का स्नेह प्यार जो है वो उससे कहीं ज़्यादा होता है, तो उसकी चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, क्या मिला क्या नहीं मिला। जब छोटे थे तब ये बहुत महत्व होता था, तब जब भी जन्मदिन मनाया जाता था तो सबसे पहले जा करके जो आया है जन्मदिन पर उससे पूछते क्या लाया भैया हमारे लिए तो वो बचपना था, वो अलग बात थी। अमित सर, आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन। सबसे पहले बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको पूरी मीडिया की तरफ से। दो सवाल करूंगा सर। सबसे पहला तो वक्त बदला, दौर बदला, बहुत से बदलाव आए हैं बॉलीवुड में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन अमित सर में कोई चेंज आया नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी वैसी की वैसी है, जैसे वो आते हैं वही ऑरा लेकर आते हैं, तो सर ये राज क्या है इसके पीछे का? और दूसरा सवाल ये है, क्योंकि टाइगर जो है, अब टाइगर से जुड़ चुके हैं, अब टैग जो है आपको टाइगर भी मिलता नजर आ रहा है लोगों द्वारा। अभी मैं बाहर खड़ा था, लोग कह रहे थे कि अमित जी अब टाइगर भी हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? अब ये टाइगर के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो आपने टाइगर बोल दिया, लेकिन साथ साथ मैं टीबी के लिए भी काम कर रहा हूँ और हेपेटाइटिस के लिए भी काम कर रहा हूँ और डायबिटीज के लिए भी काम कर रहा हूँ,
और टूरिज्म के लिए भी काम कर रहा हूँ, पोलियो के लिए भी काम, तो जी सब ये क्या हम उपाधि हमको दे देंगे आप क्या? तो ये काम है, इसमें साथ नहीं जोड़ना चाहिए। रही बात आपकी पहले सवाल की कि देखिए हम इस वजह से काम नहीं करते हैं कि कोई जिस तरह से आपने अभी वर्णन किया कि एक ऑरा होता है, न जाने क्या होता है, ये आप लोगों का स्नेह प्यार है जो मिलता रहता है हमें। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि जो भी काम हमको दिया जाए वो हम पूर्णता से कर सकें, पूरी तरह उसे निभा सकें, और जिस वजह से वो काम हम करते हैं ताकि जनता के पास हमारा जो हमारी जो भी छोटी मोटी कला है वो उसका उसको पसंद करें, उसको उसको आगे बढ़ाएं और किस तरह अपने आप में बदलाव ला सकें। ज़माना बदलता जाता है, आपने सही कहा, हर दशक में कलाकार बदल जाते हैं, काम करने का तरीका बदल जाता है, वो भी हमने देखा है क्योंकि 4 दशक हो गए हैं हमको इस फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत कुछ बदलाव आया है, टेक्निकली बदलाव आया है, काम करने के तरीकों में बदलाव आया है, और ये अच्छा है हम सोचते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। नई पीढ़ी जो है उसको ऊपर आना है, पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना है, ये सारी बातें होती हैं और हर वर्ष आती आई हैं, 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, तो अब समय आ गया है कि हम पीछे हट जाएं और जो नई पीढ़ी है वो आ करके बागडोर संभाले, ऐसा ही होगा, आगे भी होगा। अमित जी, उर्वी और आपके जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर, अभिषेक ने एक दफा इंटरव्यू में कहा था कि आपको बर्फी की केक बहुत पसंद है, तो आज आपने कुछ ऐसा केक वेक सुबह से कुछ खाया? ये है? मैंने छोड़ दिया है, अब केक वेक खाना छोड़ दिया है। हमारा कार्यक्रम आप देखिएगा जो अभी टीवी पे आ रहा है, इस विषय पे हमने वहाँ एक कुछ सवाल उठाए हैं, उसको देखिएगा। अभी बात कर दूंगा तो सब बात निकल जाएगी, लेकिन है रोचक वो भी। अमित जी, आप अपने हिसाब का जज्बा किस युवा एक्टर में देखते हैं? अभिषेक में तो हम वो देखते हैं, लेकिन आपके जैसा जज्बा किस इस पीढ़ी के एक्टर में आपको नजर आता है? किसी में ना हो तो अच्छा है, सबका अपना अपना एक अलग जज्बा होता है और वो बहुत प्रबल होता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि सब अपने अपने जगह पर, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्तर पर हैं, अपनी अपनी जगह पर प्रबल हैं, और ऐसा कहना कि ये इनसे प्रभावित है या इनसे प्रभावित है, मैं इसे ठीक नहीं मानता हूँ। हम सब लोग जो हैं जहाँ अच्छा काम होता है उसको देख करके उसकी प्रशंसा करते हैं, और हमने अपने मन के अंदर कुछ ऐसे कलाकारों को, कुछ ऐसी तस्वीरों को हमने अपने मन के अंदर रखा है कि इनसे हम प्रेरणा लेंगे। मैं दिलीप साहब को देखता हूँ, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, वहीदा जी को देखता हूँ, वो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। इसी तरह आजकल की जो पीढ़ी है, वो जो आजकल के नौजवान कलाकार हैं, वो सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, रणबीर हो, ऋतिक हो, इन सब की ये प्रेरणा स्रोत बनते हैं उनके लिए, ये अच्छा है। लेकिन ऐसा मान लेना कि आप किसे देखते हैं कि वो मेरी जगह लेगा, ये शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि सबकी अपनी अपनी जगह है। सर, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बर्थडे का जो मौका होता है सर, अक्सर खुशी का होता है, लेकिन क्या कुछ ऐसी यादें हैं कि जब आपका बर्थडे रहा हो और आप बहुत उदास रहे हो और बर्थडे बहुत खराब बीता हो, ऐसा कुछ कोई यादें हैं आपकी? देखिए, ये सब व्यक्तिगत बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी कई बार साल भर के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पर लगता है कि उत्सव मनाने का मन नहीं करता है। हमारे यहाँ ऐसे संस्कार हैं कि यदि परिवार का कोई सदस्य उसका देहांत हो जाए तो उस वर्ष हम त्यौहार जो है वो नहीं मनाते हैं। ये हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, हम नहीं मनाते हैं उसको। और कभी कभी हमारे जो बहुत ही निकट मित्र होते हैं उनका अगर वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो कई मन होता है, उदास होता है, लेकिन ये जीवन है, इसको तो चलना ही है। अब अगर आप व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो अभी हाल ही में हमारे मित्र आदेश श्रीवास्तव जी, जो कि संगीत निर्देशक, उनका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया, तो उनकी याद आती है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जीवन को चलते रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझते होंगे जहाँ भी हैं ऊपर। आज भी मैं उसी तरह जिस तरह पहले उनके स्टूडियो में जाता था काम करने, आज भी मैं जाता हूँ वहीं पर, और ऐसा मान लेता हूँ कि वो हैं यहाँ पर, हालांकि नहीं हैं, लेकिन जीवन को चलते रहना चाहिए। उदास होने के बहुत से वक्त मिल जाएंगे हमारे जीवन में, हंसी खुशी का समय जो है वो बहुत कम मिलता है। ऐसे स्तर पर हम या ऐसे मौके पर हम उनको याद भर कर लें, यही अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन को चलते रहना चाहिए। अमित सर, यहाँ
many, many happy returns of the day. Thank you. Amit sir, you're not just an Indian superstar actor today, but a global actor. But when you're second to none, even in Hollywood, but we don't see you do much work there. We know that you don't consider Indian cinema inferior in any sense to Hollywood, but is there any plan to do more work there in the West? See, first of all, I don't agree with you that, you know, that I'm incomparable and that I have some very big titles. I've never believed in that. And every day is a learning graph for me. Every day I see that there are many shortcomings in me. And I learn from working with the newer generation, with the younger generation, who are very, very proficient. To compare ourselves with other industries is a very natural and a normal phenomena. We appreciate what the West does. We appreciate the way they make movies. But I think that we need to be proud about our own industry, about our own talent. I think that the degree of talent that exists here in our country amongst our artists, both in technology and in the creative field, is immensely huge. Yes, there was a time for many, many years when the Western world did not look upon us too kindly. They did not like the way our films were made. They did not like this dance and singing routine. But they are not aware of what our circumstances are and what circumstances our films are made. Our films are made for entertainment for the common man. The common man is not very affluent, is not very rich. After working for the whole day, you know, giving so much labor, he wants to come and have a release somewhere. And that is why when he comes into an air-conditioned hall, which is again a unique thing for him, to sit in there for 3 hours and watch some entertainment, he wants to see something light and happy and not want to see a reproduction of his own life. So perhaps the West could not understand that. They are economically more superior to us, but I feel that they must understand our circumstances. And I now see that they have understood what our circumstances are, and they are now appreciating our kind of cinema as well. They see the values that we bring in our stories. They see the great amount of technology and the sense of how stories are made and narrated, our performances. I've had many wishes from all over the world, from students who are studying acting in very prominent schools in Los Angeles, in New York, and they see our films and they are amazed and they say, we appreciate your work and we are all fans of yours. So I think these are all good tidings. In the end, you know that cinema is universal and it doesn't require any language or location. We hope that cinema will progress here, that we will be able to appreciate their work and they will appreciate ours equally. Sir, one more thing. Sir, you spoke about working with the younger generation, which is very talented. If any generation after yours that has made us proud, it's the Khan Troika, Amir, Salman, and Shahrukh. Yeah. They are also reaching a personal milestone of 50 years in their life. So anything that you would like to say for them? Yeah, I hope that they continue. I hope that they continue being who they are for 100 years. They have been a great source of inspiration to so many people. They've brought happiness and joy in the lives of so many well-wishers and fans. I can always wish them the very best. Mr. Bachchan, firstly, a very happy birthday. Thank you. You know, the kind of roles that you have been doing is obviously appreciated by everybody. But with, you know, you inching to the 73rd birthday, are there any plans of like slowing down in your career and probably being a lot more choosy when it comes to the roles that you pick? Sorry, I can't understand. Of slowing down? Slowing down with, and also any kind of roles that you've been wanting to do. And are you planning to slow down in your career now with the kind of roles that you've been getting also? Ma'am, when you ask me to slow down, you'll have to tell me what my speed is now. तभी बता पाऊंगा कि मैं धीमे चल रहा हूँ तेज चल रहा हूँ तो जैसे चल रहा हूँ उसको चलने दीजिए मैडम गाड़ी चल रही है उसको चलने दीजिए एंड आई डोंट थिंक अबाउट यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट दैट आई स्टिल गेट सम वर्क एंड आई होप दैट आई कैन कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज माई बॉडी इज विद मी मिस्टर बच्चन अरे सर मैं माफी चाहता हूँ सर ये एक बहुत ही मामूली प्लास्टिक की घड़ी है और मैं हाथ जोड़ के क्षमा करता मांगता हूँ अभी नहीं पहनूंगा मैं इसको जितनी बार मैं मीडिया के सामने गया हूँ सबसे पहले उनका ध्यान हमारी इधर ही जाता है मिस्टर बच्चन ऑन योर राइट हैंड साइड हियर कौन या हाँ सर सर फर्स्टली अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड इज देयर यू नो स्टिल अ चाइल्ड समवेयर विद इन अमिताभ बच्चन हार्ट
and you know, when it's your birthday, do you still look forward to cutting a cake or two? And probably the way you said, you know, when you were a kid, you were looking forward to expecting. Yeah, I think with age, we all mature and we realize that all these formal moments that normally are associated with birthdays, you tend to overlook them now. It's just another day. I'm just, as I said, fortunate to be with friends and family and the media. For me, it's just another day. I hope. Previously, I used to actually make sure that I actually work on my birthday, but somehow that's now been negated by the family. They want to spend more time with me because in any case, the whole day I'm out of the house very early, come back very late. So they never get an opportunity to be with me. So I've stopped that practice. Now I spend time with the family. That's it. It's just another day. I don't look upon it as some kind of a formal occasion. Bachchan sir, Jandin ki hardik shubhkamnaye aapko. हम चाहें बाबूजी की कोई कविता सुना इधर सर हाँ जी जी बाबूजी की कोई कविता हमें सुनाना चाहेंगे इस मौके पर आप सर बहुत सारी कविताएं हैं अभी कोई कविता सर बाबूजी की सुन चुके हैं आप पहले कई बार उसको कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला हर एक लगा है अपनी अपनी देले में कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जां फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में बच्चन साहब सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे मेरे दो सवाल होंगे सर सबसे पहले तो आज का जो मेन्यू होता है खाने का वो आप डिसाइड करते हैं कि जो आपको पसंद है वही घर में बनाया जाता जी, है जी खाने के मामले में मैं बहुत ही नालायक हूँ और बहुत सी चीज़ें और खाने का पदार्थ मैंने छोड़ दिया है तो घर वालों को चिंता ये रहती है कि अभी क्या बनाएं क्योंकि सब कुछ तो खाना छोड़ दिया है मैंने कोई ख़ास वजह से नहीं इसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न नहीं है ऐसे ही मन में आया कि छोड़ देना चाहिए त्याग बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे हमारे जीवन में तो नहीं कुछ ऐसा खास नहीं है और जो कुछ भी बनता है वो जया बनाती हैं वो वही घर वाले ही बनाते हैं वो खाते हैं कल रात को मेरी बेटी आई हुई है यहाँ तो उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट था बच्चन साहब दूसरा सवाल होगा मेरा सिंगर्स की बात करते हैं तो सर इन दिनों जिस तरह से गुलाम अली का शो यहाँ कैंसिल किया गया है सर तो उसे आप किस तरह से देखते हैं कि क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कलाकार और हिंदुस्तानी कलाकार के बीच पॉलिटिक्स बाधा बन रही है या इसे वजह क्या मानते हैं यार इसको एक राजनीतिक एक मुद्दा बन गया है और राजनीति में मैं हूँ नहीं इसलिए मैं इस पर अपना बयान नहीं दे पाऊँगा अगर कोई ऐसी बात है जिससे कि सरकार ये एक नियम बना दे कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा तो हम नियम का पालन करेंगे हमारे लिए तो वो कलाकार हैं बाकी उसके साथ जो राजनीति हो रही है उसमें मैं तो हूँ नहीं जन्मदिन की ढेर सारी बधाई सर मनीष है जन्मदिन की ढेर सारी बधाई आपको बधाई धन्यवाद धन्यवाद बधाई आपको जी 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 इससे पहले क्या कहा आपने बधाई है सर अच्छा पर बधाई थी ना सर मेरा सवाल आपसे है कि सर बदलते वक्त के साथ में समय बदला वक्त बदला बट ऑब्सेशन एज अ एक्टिंग आपका हमेशा से रहा है तो इस बारे में आप थोड़ा अगर बताना चाहें एक्टिंग आपका ऑब्सेशन हमेशा रहा है ऑब्सेशन नहीं एक इस तरह से मान लीजिए कि स्टेज पर जाने में अच्छा लगता था जब बहुत ही बचपन से जब मैं जहाँ तक मुझे याद है कि इलाहाबाद में मैं सबसे पहले जो मुझे दाखिला मिला जिस स्कूल में वो एक महिलाओं का स्कूल था वो कॉन्वेंट था सेंट मेरीज कॉन्वेंट था इलाहाबाद में उसमें किंडरगार्टन से लेकर के मुझे याद है हम लोग स्टेज वेज पे काम करते थे और किंडरगार्टन में जो हमने प्ले किया था शायद उसमें एक भूमिका जो मुझे मिली थी वो एक छोटा चिकन का बच्चा होता है उसकी भूमि था परवर लगा कर कैसे कूदना था वो तब से एक लगाव रहा है और कोई ऐसा वर्ष मुझे याद नहीं जहां पर मैंने स्कूल में या स्कूल के प्ले में काम न किया हो तो मैं बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद में था उसके बाद बच्चों के जो लड़कियों के स्कूल से सब लड़कों को निकाल दिया फिर हम बॉयज़ हाई स्कूल में गए तो वहाँ पर भी जितने भी स्टेज प्लेज होते थे उसमें मैं भाग लेता था फिर शेरवुड कॉलेज गया नैनीताल बोर्डिंग बनकर में वहाँ भी हर साल
नाटक करते थे हम, वहाँ पर शशि कपूर जी के जो ससुर हैं जेफरी कैंडल, उन्होंने एक कप रखा हुआ था, बेस्ट एक्टर का कप, वो मुझे एक साल प्राप्त हुआ। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो कॉलेज में भी नाटक वगैरह किए, और फिर कलकत्ते में नौकरी की तो वहाँ भी ड्रामेटिक क्लब था, उसको ज्वाइन किया। तो एक तरह से स्टेज के ऊपर आना अच्छा लगता था, उससे हमारा संपर्क बना रहा। फिर अचानक एक दिन सोचा कि अब इसको आगे बढ़ा करके फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, और आज यहाँ आपके सामने। अमित जी, उर्वी और आपके राइट में। सर अभिषेक आज आपके जन्मदिन के दिन यहाँ नहीं है, वो लंदन में है, और आपने अभी कहा कि आपकी बेटी आई हुई है, तो आप उसे उन्हें कितना मिस करेंगे आपके जन्मदिन के सेलिब्रेशन? ठीक 12 बजे रात को उनका फोन आ गया था, बधाई दे दी उन्होंने, और अभी जाऊंगा तो फिर वो मुझे फोन करेंगे। माध्यम अच्छे हो गए हैं, अब ऐसा नहीं लगता है, स्काइप करते हैं पर या फेस टाइम करते हैं तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज 11 अक्टूबर को, आज नहीं जब से जंजीर और दीवार रिलीज। मैडम वो प्लांट को हटा लीजिए जी, ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ जो है बोल रहा है मुझसे। सर 11 अक्टूबर को, आज से नहीं जब से जंजीर और दीवार रिलीज हुई है, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनके नाम माँ बाप उनके अमित या अमिता रख दिए जाते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग बर्थडे शेयर करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये अन्याय हो रहा है या अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। अच्छा है जी। बहुत ही साधारण सा नाम है, और मैं जब पैदा हुआ था तो बहुत ही विख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत जी उन दिनों हमारे साथ इलाहाबाद में हमारे घर में रह रहे थे, और उसी समय उन्होंने, मैं जब घर आया लाया गया, ऐसे साधन नहीं थे हमारे पास, और माँ बाबूजी मुझे गुदड़ी का लाल, मैं अपने आप को कहता हूँ, गुदड़ी में लपेट के एक टांगे में लाए थे घर, और उन्होंने मुझे देखा था और कहा था कि ये है अमिताभ, और तब से वो नाम पड़ गया अमिताभ, अमित आभा, ऐसी आभा जो मिटाई नहीं जा सकती। गौतम बुद्ध को भी अमिताभ शीर्षक दिया गया था, तो वहाँ से प्रेरित होकर के उन्होंने ये नाम दिया। बंगाल में अमिताभ नाम जो है वो काफ़ी प्रचलित है बंगाल में। अमित जी, सर आपने कहा था कि बर्थडे सेलिब्रेट आप ज़्यादातर के मतलब आप घर पे नहीं होते रहे, आप काम कर रहे, शूटिंग कर रहे होते रहे, तो ऐसा कोई आपको किस्सा याद है किसी शूटिंग के टाइम, शोले के टाइम या दीवार के टाइम आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया पूरी टीम ने मिलकर, ऐसे कोई भी मूवी के टाइम पे आपको कुछ ऐसा याद है सर? जी जाहिर है कि जब कभी जिस सेट पे होते हैं तो वो लोग आकर के जन्मदिन मनाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें। और ये केक की प्रथा जो है इससे अपने आप, और फिर वो एक गाना गाएंगे सब लोग हैप्पी बर्थडे, न जाने कितने वर्षों से सालों से वही गाना चल रहा है, वही केक आ रहा है, वही मोमबत्ती लगती है, उसको बुझाना पड़ता है, छुरी से काटना पड़ता है, और आजकल तो एक ऐसी प्रथा शुरू हो गई कि काटने के बाद वो पोत देते हैं चेहरे पर, न जाने ये कहां से आ रहे हैं। अमित जी प्रेरणा जी, आपसे एक सवाल है, जया जी ने आपको आज क्या भेंट वस्तु दी है? हमेशा आपको ऐसे स्पेशल मौके पे जया जी ने दिया हुआ कुछ स्पेशल पहनते हैं या लेकर आते हैं, तो कुछ दिया जी? जो दिया है वो मेरी जानकारी के लिए है, आपकी जानकारी के लिए नहीं। अमित जी आपसे सवाल है जी, सबसे पहले तो जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई है। आपका जो जीवन शैली और कैरियर अब तक का है, तो उसके ऊपर अगर मूवी बनती है इन केस, तो आप बॉलीवुड के किस अभिनेता को? निश्चित रूप से फ्लॉप हो जाएगी अगर बने। किस अभिनेता को चुनेंगे आप, आपके ऊपर? मैं ये नहीं चाहूंगा कि पहले तो फिल्म बने, और ना ही मैं ये कह सकता हूं कि किसे करना चाहिए ये भूमिका, क्योंकि भूमिका करने लायक होगी नहीं, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, तो इसलिए पूछ। क्या चला हुआ है? इसका ट्रेंड चला हुआ है बायोग्राफी। हां बायोपिक, अच्छा, मैं उस श्रेणी में नहीं हूँ जी। सुहेल जी हो तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं खुद इसका विचार नहीं कर सकता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई निर्देशक ऐसा सोचेगा कि भाई साहब आपने ये भूमिका नहीं निभाई है, आपको निभाना चाहिए, तो मैं उसको निभाने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन अपने मन से मैं शायद ना कह पाऊँगा कि मैंने ये नहीं किया, अब ये करना चाहिए। अमित जी अभी भी कोई ऐसा एम्बिशन है जिसे आप पाने की इच्छा रखते हैं या करना चाहते हैं उसे? जी होनी चाहिए, मैं तो प्रतिदिन ऐसा सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ
नया सीखूं प्रतिदिन, और बहुत सारी बातें हैं जो कि कोई भी इंसान अपने जीवन में करना चाहता है। अब व्यक्तिगत तौर पे बहुत सी ऐसी बातें, और श्रेष्ठ बात आप पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि बाबूजी के साथ और समय अगर मैं बिता सकता तो अच्छा होता। हालांकि जब बाबूजी का देहांत हुआ तो जाहिर है कि बहुत निराशा होती है और काफ़ी दुखद का समय था। तो हमारे जो कुछ घनिष्ठ के मित्र थे, उन्होंने मेरी अवस्था को देखा और उन्होंने कहा कि आप इतने निराश क्यों हैं, आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि आपने अपने जीवन के 60 वर्ष से भी ऊपर अपने पिता के साथ बिताए। उन्होंने कहा मेरे पिता का देहांत तो मैं जब 20 वर्ष का था तभी हो गया था, तो मैं केवल 20 वर्ष उनके साथ बिता सका, तो आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि आप 60 वर्षों से ज़्यादा उनके साथ बिता सकते। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा समय और बिता लेता उनके साथ तो उनका जो लेखन है उसको मैं और समझ सकता। आज भी मैं प्रयत्न करता हूँ, प्रतिदिन कुछ उनकी कविताओं को पढ़ता हूँ, उनकी आत्मकथा को पढ़ता हूँ, उनके पत्रों को पढ़ता हूँ, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ढूंढने की चीज़ करता हूँ ताकि उसका एक मायने जो है वो मेरे जीवन को और मधुर बना सके। दूसरा, संगीत के प्रति बहुत लगाव है और संगीत में जो इंस्ट्रूमेंट है उनको सीखने का बहुत चाह रहा है, लेकिन कभी अवसर मिला नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग संगीतकार होते हैं वो ईश्वर की देन होते हैं, क्योंकि संगीत जो है वो एक आत्मा और परमात्मा का एक तार है जो जोड़ता है दो लोगों को। तो अभी भी प्रयत्न है, अभी सब कुछ है मेरे पास, यहाँ पियानो भी है और सितार भी है, सरोद भी है, डमरू भी है, सब कुछ है, लेकिन बजा नहीं पाता हूँ, सीखूंगा उसको। अमित जी, कई जगह पर ऐसी बातें हो रही थी कि हरिवंश राय बच्चन जी के ऊपर भी बायोपिक फिल्में बननी चाहिए, तो आप ऐसा चाहेंगे कि उनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए? अगर कोई अपने ओर से बना रहा है डॉक्यूमेंट्री, मैं उसको रोकने की हिम्मत नहीं करूंगा, अपनी ओर से मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहूंगा। अमित जी, जज्बा फिल्म भी रिलीज हुई है, अगर आपने देखी हो कुछ बता सके आप? जज्बा फिल्म रिलीज हुई है, अगर आप? मैंने अभी देखी नहीं, मैं काम में व्यस्त था, लेकिन अभी देखूंगा एक दो दिन में। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अमित सर जी, सर विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे फर्स्ट। सर, यू हैव ऑलवेज बीन वोकल अबाउट सेवरल इश्यूज, यू नो, बी इट हैपनिंग इन द पॉलिटिकल सर्किट और इन द एंटरटेनमेंट फील्ड। आई डोंट से कमेंट ऑन पॉलिटिक्स एट ऑल, नो, बट इन जनरल, या सर, बट वी हैवंट सीन यू, यू नो, स्पीकिंग एनीथिंग अबाउट द एफटीआईआई इशू, कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट? या आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट बिकॉज़ आई रियली डोंट, आई हैव बीन वेरी बिजी। But yes, I believe that there is now a discussion going on between them and the government, and I hope that there is a solution to it. Amit ji, main Anand hu Lehre se, janam din ki dher sari shubhkamnaen sabse pehle to sir. Bahut bahut dhanyawad. Sir, 4 dashak industry mein aapne guzare, kabhi socha ki thodi dole chole banaye jaye, 6 pack 8 pack sab bana ke ghuma jaye, kabhi aisa khayal aaya? Kyunki aaj fashion sa ho gaya hai. Kya kaha inhone? Thodi body banayi jaye, thodi dole chole banaye jaye. Sir, hamari body jo hai wo hospitalon mein banti hai aajkal. अब उसकी गुंजाइश रही नहीं कुछ। नहीं, आपके जमाने में जब धर्म जी हुआ करते थे आपके साथ, तब की बात? नहीं सर, हमको पता ही नहीं था उनके बारे में, ये तो बाद में आजकल जो नौजवान पीढ़ी है इन्होंने बस दिखाया अपना कुर्ता ऊपर करके कि देखिए ये सिक्स पैक होता है, हमको मालूम नहीं था ये सर। अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। सर, आपने जैसा कहा कि अब हॉलीवुड और वेस्ट भी हमारी फिल्मों को अप्रिशिएट करने लगा है, तो हम इस दौर को सबसे सुनहरा दौर कहें सिनेमा का? हर दौर जो है मैं ऐसा मानता हूँ सुनहरा रहा है, क्योंकि हर दौर में अगर जनता का प्रशंसा उसको मिलता रहा है तो उसने कुछ सही काम किया है। 100 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री को, और इतने वर्ष अगर वो जीवित रहा है तो वो आप लोगों की वजह से रहा है, जनता जनार्दन की वजह से रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है। अगर नहीं होता तो इतना उसको प्रोत्साहित नहीं करते आप लोग, लेकिन है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हर दशक में, हर वर्ष, हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री का एक रवैया है। लेकिन क्योंकि इसको प्यार स्नेह मिलता रहा है इतने सालों तक, तो कुछ ना कुछ तो वो सही कर ही रहा है। क्या बोल रहे हैं वो समझ? हाँ, दोस्ताना है। अब ऐसा है कि सर, हर वर्ष कुछ न कुछ एक आ जाता है नुमाइंदा,
इसके 30 साल हो गए, इसके 35 हो गए, इसके 40 साल हो गए, पढ़ के बड़ा अजीब लगता है। उम्र का तगाजा जो है वो बताते हैं हमको। लेकिन बधाई देता हूँ और धर्मा प्रोडक्शंस में यश जौहर जी को, वो निर्माता थे दोस्ताना के, और हमारे सह कलाकार थे उसमें, जीनत अमान थी, शत्रुघ्न सिन्हा थे, सलीम जावेद साहब ने उसकी कहानी लिखी थी, अच्छी फिल्म थी, अच्छा लगा हमको उसके काम में। बधाई देते हैं धर्मा प्रोडक्शंस को। या आई होप सो, लेकिन एक सही कहानी आनी चाहिए, इसमें हम लोगों को अवसर मिले काम करने का। ओके, थैंक यू।